Here is the question. Yellow light emitted from a sodium lamp has wavelength of 580 nanometer. Calculate the frequency and wave number of the yellow light. तो देखो ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमें फॉर्मूला बताना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी अपॉन लेमड़ा की कुल होती है. सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है, लेमड़ा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट है. ठीक है, देखो अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसमें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं. बताओ स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. अपॉन वेवलेंथ कितनी गिवन आपको? 580 नैनोमीटर. देखो 580 इंटू 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर. ठीक है, तो कितना देगा 10⁻⁹ मीटर? सही है, अरे मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 10⁸ और ऊपर है 10⁻⁹, तो ऊपर देगा 10⁻ कितना हो गया, ये 17 हो गया. ठीक है, ये दोनों तो हो गया प्लस. अब 3/580 इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये समथिंग, देखो कुछ भी आएगा आंसर चेक कर लेना. 3/580 ये आ गया सेकंड इनपुट, तो ये तो क्या आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी. इसे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर से वो आपके काम है ना. ये आ गई फ्रीक्वेंसी. अब क्या बोला है? वेव नंबर कैलकुलेट करो. तो देखो जो न्यू बार होता है वेव नंबर, वो 1/ वेवलेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. वेव नंबर वेवलेंथ क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर आपको वेव नंबर कैलकुलेट करना है तो 1/580 × 10⁻⁹ सॉरी क्या है, मीटर. ओके, हिसाब सॉल्व कर लीजिए. आपके पास 1/580 × 10⁻⁹ मीटर इनवर्स. यहां पर आप सॉल्व कर लीजिए, यहां पर भी आपके पास आंसर आ जाएगा. तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन.